Hello friends, I am Ronak, he is Raj. I know about myself, but I don't know about this man. Who is this man? I don't know. Hey, excuse me, are you my reflection? I don't know, but I know that I am Ronak Raj. So, today we are going to talk about a foolish liar. What we are going to talk today? We are going to talk today about a foolish liar. There is no level of foolishness. I repeat, there is no level of foolishness. Even a king of the jungle can be as foolish. It is quite imaginary. So, friends, my today's video has been chosen from the book New Way English Reader, and this book is of class 3. Inside this book we have chosen chapter 6, The Foolish Lion. And as usual, you know me, I am your favorite as well as lovable teacher, and my name is Ronak. So don't forget to watch this video completely. Now coming to the content of the video, as usual, first we will chapter reading in English with Hindi translation. Second is words to learn. Why words to learn? To improve vocabulary. Number 3, chapter question answer in details. And the last, an animated video to understand the feelings, to understand the motive of this story. So friends, let us begin our video. Before starting, please don't forget to subscribe my channel. My channel name is Star TV Ronak Raj. So let's start the video. The Foolish Lion. Once upon a time, there lived a big and ferocious lion in a jungle. एक समय की बात है, एक जंगल में बहुत ही गुस्सेल शेर रहा करता था. He ruled over the animals of the jungle. उसका जंगलों पर और जंगल के जानवरों पर राज चलता था. For his food, he killed a large number of animals every day and ate them. अपने भोजन के लिए वह बहुत सारे जानवरों को मार देता था रोजाना और खा जाता था. द एनिमल्स ऑफ द जंगल वेर वरीड. उस जंगल के जानवर लोग चिंतित थे. दे वेर अफ्रेड डैट इफ द लायन कंटिन्यू टू किल देम इन सच लार्ज नंबर देयर वुड बी नो एनिमल्स लेफ्ट इन द जंगल. इसी तरह अगर शेर उस जंगल के सभी जानवरों को मारता गया तो एक समय आएगा जब इस जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेंगे. But they went too weak to challenge him. वो लोग बहुत ही कमज़ोर थे कि वो लोग जाकर शेर को चैलेंज कर सकें. One day the animal held a meeting to discuss the problem. एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया कि इस समस्या से वे बाहर कैसे निकले. They agreed that something would have to be done to save them. हम लोगों को कुछ जरूर करना होगा तभी हम लोग अपनी प्राण की रक्षा कर सकेंगे. बट वाट टू डू, सभी ने सोचा कि हम लोग क्या कर सकते हैं. दे वेर नॉट सो स्ट्रांग एज द लायन एंड देयर फोर कुड नॉट फेस हिम डायरेक्टली. वो लोग शेर के तरह उतने मजबूत, उतने ताकतवर और शक्तिशाली नहीं थे, तो उनमें से किसी को भी शेर का सामना करने का क्षमता नहीं था. दे हैड टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम. उन लोगों को एक दूसरा रास्ता निकालना था इस समस्या, इस प्रॉब्लम से बाहर आने का. फाइनली दे ऑल एग्रीड अपॉन ए प्लान प्रपोज्ड बाय ए रैबिट. रैबिट के द्वारा एक प्लान प्रपोज किया गया और सभी जानवरों ने उस प्लान पर अपनी सहमति जताई. दे डिसाइडेड टू फॉलो इट.
द नेक्स्ट डे ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स वेंट टू द लायन, दूसरे दिन जंगल के सभी जानवर शेर के पास गए। ही वॉज प्रेजेंटली सरप्राइज टू फाइंड देम एट हिज डोर स्टेप, शेर यह देखकर अचंभा हो गया कि इतनी सुबह जंगल के सभी जानवर मेरे गुफा के बाहर खड़े हैं। वाट ब्रिंग्स यू हेयर, द लायन डिमांडेड, आप लोग जंगल के सभी जानवर मेरी गुफा के बाहर हैं, ऐसा क्या बात है। एंड ओल्ड फोक्स रोज हिज लेग्स एंड वेरी हम्बली सेड, एक बूढ़ा लोमड़ी कहा, योर मैजेस्टी वी ग्रेटली ऑनर यू राइट टू किल एनिमल्स फॉर फूड, बट इफ यू कंटिन्यू टू किल सो मेनी एनिमल्स ईच डे इज नॉट फार वेन देयर विल बी नो एनिमल्स लेफ्ट इन द जंगल। चालाक लोमड़ी ने कहा कि अगर शेर जो था उसको कहा कि अगर आप इसी तरह रोजाना जंगल के सभी जानवरों को मारते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब कि जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेगा, तब आपका भोजन करने का जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको जंगल में जानवर मिलेगा नहीं, आप किसका शिकार कीजिएगा। ये कहा गया लोमड़ी के द्वारा शेर को। वी प्रोमिस टू सेंड वन एनिमल टू योर डेन ईच डे, इट विल सेव योर फ्रॉम द ट्रबल ऑफ हंटिंग एनिमल्स, हम लोग रोजाना आपके गुफा के बाहर एक जानवर भेज दिया करेंगे, इससे आपका शिकार करने का समस्या दूर हो जाएगा। इट विल ऑल्सो हेल्प ईच वन ऑफ अस लीड ए लाइफ विदाउट फियर टिल वंस ओन टर्न फॉर गेटिंग किल्ड अराइव्स, रिप्लाइड बाय द फॉक्स, इसी प्रकार हम लोग भी निश्चिंत हो जाएंगे और हम लोग भी अपने पारी का आने का, अपने टर्न का आने का इंतजार करेंगे कि किस दिन हमारी मृत्यु है। द लायन सेड, आई एग्री टू द प्रपोजल, बट इफ यू फेल टू कीप योर प्रोमिस आई शैल किल एज मैनी एनिमल्स एज आई लाइक, अगर आप सभी जंगल के जितने जानवर हैं आप अपना इस वादा को पूरा करने में नाकाम रहते हैं तो मैं जंगल के सभी जानवरों को मार दूंगा। द रैबिट ऑफर्ड टू गो टू द लायन फर्स्ट, द नेक्स्ट डे ही लेफ्ट फॉर द लायंस डेन एट द अपॉइंट आवर, दूसरे दिन रैबिट बोला कि मैं सबसे पहले जाऊंगा और रैबिट चल पड़ा, क्योंकि अपॉइंटेड आवर में जिस समय उसको समय दिया गया था जाने का उस समय रैबिट चल गया। बट इंस्टेंट ऑफ रीचिंग हिज डेन एट द अपॉइंटेड टाइम ही वर्ड अराउंड एंड एट एंड स्लिप इन द जंगल फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड रीच्ड देयर क्वाइट लेट, रैबिट क्या किया जिस समय उसको बोला गया था शेर के पास जाने के लिए वह उस समय वहाँ नहीं गया और जंगल में घूरता रहा, वंडर्ड हेयर एंड देयर, ही वंडर्ड हेयर एंड देयर, और वो भोजन करने लगा, सो गया और जंगल में जहाँ तहाँ घूमने लगा और सबसे लास्ट में पहुँचा वहाँ पर। द लायन वॉज वेरी हंग्री एंड फ्यूरियस व्हेन ही सॉ द रैबिट कमिंग, ही रोड एंड आस्क्ड Why are you so late? वो देखा खरगोश को आता हुआ तो वो बहुत जोर से चिल्लाया और पूछा कि तुम्हें आने में इतना लेट क्यों है, मैं इतना भूखा था। The rabbit bowed down before him and said, Great king, if I am late, it's not my fault. When I was coming to you, I was stopped by a big lion on the way. जब मैं आपके पास आ रहा था तभी रास्ते में एक दूसरा बहुत बड़ा शेर ने मुझे रोक लिया। He wanted to kill and eat me up. वो मुझे रोक कर मुझे खाना चाहता था। When I told him about you, he threatened to kill to you. जब मैंने उसे आपके बारे में बताया तो उसने मुझे धमकी दिया कि मैं उस शेर को भी मार दूंगा। With great difficulty, I have able to escape him. बहुत मुश्किल से मैं वहाँ पर से छुपकर बचकर भागकर आया हूँ आपके पास। अनदर लायन इन द जंगल, द लायन थॉट, इस जंगल में दूसरा शेर है। ही वॉज मैट विथ रेज, वो अपने गुस्सा में पागल हो गया। ही सेड टू द रैबिट, टेक मी टू द लायन एट वंस, मुझे उस शेर के पास ले चलो। आई विल टीच हिम द लेसन ऑफ हिज लाइफ, मैं उस शेर को उसके जीवन का महत्व समझा दूंगा। दैट लायन लिव्स इन ए वेल,
द रैबिट सेड। खरगोश ने कहा, चलिए महाराज, मैं आपको उस शेर के पास लेके जाऊंगा, वो उस कुआं में रहता है। फॉलो मी एंड आई विल टेक यू देयर। द लायन फॉलोड द रैबिट टू ए वेल फुल ऑफ वाटर। देयर द रैबिट टोल्ड हिम दैट द अदर लायन लिव्ड इन इट। खरगोश ने शेर से कहा कि महाराज, आप चलिए, मैं आपको उस जंगल के दूसरे शेर के पास लेकर चलता हूँ, वो उस कुआं में रहता है, वो उस कुआं में रहता है जिस कुआं में पानी भर गया है। द फुलिश लायन लुक्ड इनटू द वेल, ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन ऑन द वाटर। वो मूर्ख शेर ने उस कुएं में देखा और उसने अपने ही प्रतिबिंब को उस पानी में देखा। ही टुक द रिफ्लेक्शन टू बी द अदर लायन, देन ही रोड एंड रोड। उसने उस प्रतिबिंब को देखकर समझा कि सचमुच कुआं में एक दूसरा शेर है और वो चिल्लाने लग गया, चैलेंजिंग द अदर लायन टू कम आउट ऑफ द वाटर। ही रोड साउंडेड इन द वेल एंड कम बैक टू हिम। उसने उसे चिल्ला चिल्ला कर चेतावनी दी कि तुम बाहर आ जाओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। ही अगेन थॉट दैट इट वॉज द रोर ऑफ द अदर लायन चैलेंजिंग हिम टू जम्प डाउन। और शेर ने सोचा कि मैं चिल्ला रहा हूँ तो पानी में से वो भी चिल्ला रहा है, बार बार चिल्ला रहा है, मैं चिल्ला रहा हूँ तू, और मुझे पानी में आने का न्योता दे रहा है। इन एक्सट्रीम फ्यूरी ही जम्प्ड डाउन इनटू द वेल एंड वाज ड्राउन्ड। उसने पूरे गुस्सा में आकर छलांग लगा दिया उस कुएं में जो पानी से भरा हुआ था और डूब गया। द रैबिट टुक ए सिग ऑफ रिलीफ, ही रिटर्न्ड टू द अदर एनिमल। ही जॉयफुल्ली नैरेटेड हाउ ही हैड मेड ए फूल ऑफ द लायन एंड लेड हिम टू हिज डेथ। रैबिट जंगल वापस आया, सभी जानवरों को खुशखबरी सुनाया और बताया कि किस प्रकार उसने शेर को मूर्ख बनाया और उसे मार दिया। वर्ड्स टू लर्न, फेरोसियस, वेरी फेरस, वेरी स्ट्रॉन्ग, वरीड, फीलिंग unhappy and afraid, continued, went on, challenge, to invite to have a fight, discuss, to talk about, solve, to find a way of dealing with a problem, proposed, suggested, pleasantly, happily, demand, to ask for something very firmly, humbly, politely, honor, to respect, den, the hidden home of some type of wild animals, turn, time when somebody in a group of people should or is allowed to do something, arrive, to come, appointed, fixed, roared, shouted very loudly, furious, angry, threatened, warned, escape, to get away, reflection, and image in a mirror on water, etc. Resound, to fill a place with sound. Narrate, to tell. A number, comprehension. Question number 1. Answer the following questions. 1 number, the animal were worried because. Take the correct answer. The lion was ferocious. They could not challenge the lion. Their survival was doubtful. The lion killed many animals daily. Answer D number. The lion killed many animals daily. Question number 2. What was the proposal put forward by the animals to the lion? Answer. The animals proposed
to the lion that we would send one animal to your den every day. Question number 3. What reason did the rabbit give to the lion for his coming late? Answer. For his coming late, the rabbit gave reason to the lion that he was stopped by a big lion on the way. He wanted to kill him and ate him up. 4. Number. What did the lion do on seeing his reflection on the water? Answer. On seeing his own reflection on the water, the lion took it to be the other lion. Question number 5. What did the lion do finally? Answer. Finally, in extreme fury, the foolish lion jumped down into the well and was drowned. Question number 2. Who said the following? 1. Number. We greatly honor your right to kill animals for food. Said by an old fox. 2. Number. What brings you here? Said by the lion. 3. Number. Follow me and I will take you there. Said by the rabbit. 4. Number. Another lion is in the jungle. Said by the lion. So, said by the lion. B. Number. Hot's question. Question number 3. When the lion came to know that there was another lion in the jungle, he was mad with rage. Why? Answer. He was mad with rage because he thought that the whole jungle belonged to him and there was no room for another lion king. Question number 4. How can you say that the lion was foolish? Answer. We can say that the lion was foolish because he took his own reflection on the water to be the other lion and jumped down into well and drowned himself. Question number 3. Language study. Question number 5. Underline the verbs in the following sentences. There lived an elephant in a forest. Lived. She asked me who wrote this letter. Asked and wrote. They decided to follow it. Decided. We followed him wherever he went. Followed. Went. I put off my clothes and jumped into the river. Put. Jumped. Question number 6. Fill in the blanks with the past form of the verbs given in the box. 1. Number. Vinita dash to my proposal. Agreed. 2. Number. He dash for a minute and then ran to the police station. Thought. C. Number. She dashed to her feet. Rose. 4. Number. Tyler dashed me $800 to do the work. Offered. 5. Number. The train dashed at the station 30 minutes late. Arrived. D. Number. The world of words. Question number 7. Find the past forms of the following verbs from the story. Rule. Ruled. Hold. Held. Want. Wanted. Kill. Killed. Propose.
proposed, follow, followed, eat, ate, demand, demanded, tell, told, continue, continued, reply, replied, resound, resounded. Question number 8. Use the following words in sentences of your own. Foolish. The foolish lion jumped into the well. Bookish. It is not good to have only bookish knowledge. Childish. Give up your childish habit. Bluish. The sky is bluish. एक जंगल में सारे जानवर मिलजुल कर और आजाद रहते थे। ऐसे में उस जंगल में एक बूढ़ा शेर आया। मर्जी से मारकर खाने लगा। इससे परेशान होकर सब जानवरों ने एक निर्णय लिया और शेर से मिलने गए। क्यों तुम्हारी बात मानूं? ऐसे ही चलता रहा तो थोड़े ही दिनों में हम सब मर जाएंगे। फिर आपको खाना नहीं मिलेगा ना? आप भी बूढ़े हो गए, शिकार नहीं कर सकते। सारे जानवरों की फरियाद सुनकर शेर ने कहा, ठीक है। बच्चों, हर रोज एक जानवर शेर का भोजन बनकर जाने लगा। एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश नियमित समय पर न जाकर जानबूझकर देर करने लगा। हाँ, इतनी देर क्यों? तुम्हें खाने से अब भूख भी नहीं मरेगी। मेरे साथ एक और जानवर भी आया, लेकिन उसे रास्ते में एक और शेर ने खा डाला। इस जंगल में मुझसे ज्यादा बलवान शेर और है क्या? मुझे दिखाओ। आइए महाराज। खरगोश उस शेर को एक कुएं के पास ले गया। महाराज, वो शेर इस कुएं के अंदर छिपा है। शेर उस कुएं में झांका, वहां उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसे दूसरा शेर समझकर उसे मारने के लिए कुएं में कूद पड़ा। कुएं से बाहर निकल नहीं पाया और बेचारा मर गया। चतुराई से उस शेर से जंगल के सभी जानवरों को छुटकारा दिलाया। सभी जानवरों ने खरगोश की तारीफ की और सारे जानवर खुशी खुशी फिर से जीने लगे।